Now, can you find the area of triangle? Please calculate the area of triangle and then let me know. Hurry up. As a student, what is the area of triangle? Sir, 6.23 आ रहा है मेरा. 6.5 into base into height. Half multiply by 3.48. 6.24. Sir, 6.24. 6.24. ठीक है. अच्छा अब बुक में देखें क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन आपके सामने होगा. ठीक है, बुक में देखो क्या लिखा हुआ है. बुक में लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/5 ऑफ एरिया ऑफ PQR. तो एरिया निकालें, सॉरी OPQ. फाइंड द एरिया ऑफ OPQ, मतलब पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है, लेकिन वो इससे 5 times ज्यादा है. ठीक है, तो एरिया ऑफ OPQ निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो अब आप इतना मुझे बता दें, एरिया ऑफ OPQ अगर मैं पूरे टर्म का निकालना चाहता हूं, वो 5 times इससे ज्यादा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स करना है, तो क्या तरीका करना पड़ेगा. इसके लिए मैं आपको अब 2 मिनट दे रहा हूं. बेटा सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? वेरी गुड. अब जो ट्राइंगल का एरिया आया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो. पांच से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 1/2. अच्छा, जो भी आया इज इक्वल टू 1/2 r² θ. अब हाफ और रेडियस बताओ कितना दिया हुआ है सेक्टर का. एक्स, बस एक्स लगा दे तो एक्स की फॉर्म में आ जाएगा. फिर एक्स की वैल्यू निकालें, क्या 8.83 आ रही है.
यस सर आ रहा है आंसर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 8.832. Very good, very good. Now your first part is solved. The second part is the area of shaded region. Parameter of PQRS. Okay. Now I will draw some. Okay, what is parameter of shaded region? What is shaded region? Okay, what is shaded region? Here is the shaded region. अच्छा मुझे कौन बताएगा अगर 8 पॉइंट एक्स क्या हो गया रेडियस हो गया एक्स रेडियस है 8.837 अगर एक्स में से मैं 5 निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा 8.837 में से अगर मैं 5 माइनस कर देता हूं ये पूरा रेडियस है बेटा ये पूरा रेडियस जा रहा है नीचे रेडियस नहीं है ओ आर जो है ना ओ आर नहीं 5 दिया हुआ मैंने 5 कह रहा हूं अगर मैं 8.83 से BR नहीं आएगा ना रेडियस तो हाइपोटेनियस में ऊपर भी ओ ओ क्यू भी तो रेडियस है उसमें अगर मैं 5 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा एस क्यू नहीं मिलेगा पैरामीटर निकालने के लिए क्या क्या प्लस करना होगा जरा देखो पैरामीटर निकालने के लिए आपको क्या प्लस करना होगा आपको एस क्यू प्लस एस आर वेरी गुड प्लस क्यूपी क्यूपी आर्क लेंथ हो जाएगी आर्क लेंथ का फॉर्मूला किसी को याद है आर थीटा वेरी गुड आर थीटा तो आप आर थीटा यहां लगाओगे आर थीटा लगाओगे तो आर्क लेंथ आ जाएगी अब रह गया पी आर कौन बताएगा पी आर कैसे आएगा रेडियस कितना है एक्स को माइनस कर देंगे 5 से नहीं 5 से नहीं ओपी भी रेडियस है यानी कि एक्स 8.837 में से ओ आर माइनस कर देंगे वेरी गुड 8.83 में से ओ आर माइनस कर देंगे चले बेटा अब आप जल्दी से मुझे करके दिखा दें तो आर थीटा और आर पी भी निकालना है आर पी इन सब को जल्दी से कर दे तो आपका बेटा पैरामीटर आ जाएगा शाबाश अच्छा चलो यहां पर मैं ऊपर लिख भी देता हूं सर्कुलर मेजर चले भाई अब आपको 5 मिनट का टाइम मिल गया सारी वर्किंग मैंने बता दी आप सर पेज नंबर क्या है 182 आपने अभी क्लास ज्वाइन की है सर जी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया अभी
Yes, a student. Please check your answer. B part. Parameter of PQRS. PQRS means parameter of shaded region. Then find the area of PQRS. How can we find the area of PQRS of shaded region? How can we find the area of shaded region? Area of sector minus area of triangle. Very good, mashallah. आप चेक करें आंसर यही आ रहा है जी सर यस सर वेरी गुड अब एरिया निकाल लें आपने कहा कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे वेरी गुड बेटा जल्दी से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें और ट्रायंगल का तो एरिया वैसे ही आ गया था बल्कि सेक्टर का भी तो एरिया निकाला था ना उसको मल्टीप्लाई किया था फिर हमने रेडियस नहीं रेडियस तो अब 8.5 r² थीटा तो हाफ आर स्क्वायर 8.837 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.8 करके पूरा एरिया सेक्टर का आ जाएगा उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें चले स्टूडेंट जल्दी से एरिया ऑफ शेडेड एरिया निकाल लें क्योंकि टाइम हमारे पास 25 आ रहा है 25 चले आपका नया 25 बाकी स्टूडेंट 24.95 और 25 ही हो गया ना गुड अदर स्टूडेंट अनाया और ईमान सर मेरे बाकी सारे हो गए सिर्फ पहला वाला आंसर मेरा अभी भी सही से नहीं आ रहा है आपने क्या करने को बोला था आखिर में मैंने क्या करने को बोला था पहले वाले का मैंने कहा था ट्रायंगल का जो एरिया आएगा तो जो शेडेड एरिया है ना वो 5 times ज्यादा है तो जो ट्रायंगल का एरिया है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास OPQ का एरिया आ जाएगा यानी कि शेडेड का नहीं पूरे सेक्टर का एरिया आ जाएगा उसको एरिया को इज इक्वल टू कर दो हाफ आर स्क्वायर थीटा जिसमें आर जो है ना वो एक्स है तो फिर हमने एक्स निकालना था इमान और अनाया माशाल्लाह आपने बहुत जल्दी ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पिक किया आपने मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ईमान और अनाया ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है तो अब एक काम करें अपनी कॉपी के ऊपर लिख रहे क्वेश्चन नंबर 2 आपका असाइनमेंट है ये 9 marks का है पहला पार्ट 5 marks का है दूसरा जो है ना वो 4 marks का है तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी पे करना है और ऑन साइट इंशाल्लाह हम
हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों की कॉपीज भी चेक करूंगा, ठीक है? हमेश हो जाएगा अब ये सवाल, अच्छा भाई? और किसी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम? वाइंड अप करें सेशन। जी स्टूडेंट, क्लास वाइंड अप करें, सबको समझ आ गया? जी सर। चलें गुड, चलें इंशाल्लाह नाइस सेशन। क्वेश्चन नंबर टू सारे स्टूडेंट के लिए है कि वो असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर टू, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।